अपने अपना प्यार कौन से क्षेत्र में रहती है छोरी, अभी पता लगाओ, देख कर डलवाया कर, क्योंकि भाई आजकल स्कैम काफी हो रहे हैं। गुड़गांव की बात ही अलग है, रोड देख कितने छोटे छोटे हैं, हवाई जहाज उतार लो इस पे। तो गुड़गांव की भाई गई हूँ जिसे नाड़ा नालो यमुना में, एक नंबर पानी साफ बिल्कुल, अच्छा पानी है। गुड़गांव सबसे बढ़िया भाई, इतने छोटे छोटे रोड कैसे रह लेते हैं यार दिल्ली में लोग इतने जाम में। हाँ जी क्या हाल चाल, बढ़िया? चलो तो बढ़िया है तो अच्छी बात है, बढ़िया ही रहना चाहिए। क्या ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 3 बजे क्योंकि कहीं जाना हुआ नहीं, सुबह से 12 बजे तक तो सो ही रहा था, ब्लॉग एडिट कर रहा था पिछला वाला जो आज शाम को तुम्हें मिल जाएगा। बाकी अभी जा रहा हूँ, एक बार काम से जा रहा हूँ गाज़ियाबाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन, तो वहाँ जाना है। देखो कितना टाइम लगता है क्योंकि दिल्ली का जाम तुम्हें पता ही है भाई, बस उड़ी है बहुत ज़्यादा। वहीं जा रहे हैं आज संडे, वहीं निकलेगा, वहीं बनेगा संडे, वरना तो अज्जू बिल्ली के पास जाता मैं DLF पे, पर यहाँ जाना है अब तो। शुरू करते हैं व्लॉग और बाकी बने रहना और इन्जॉय करते रहना, बाकी ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। ये अभी यहीं खड़े हैं, अभी निकलेंगे, अभी यहाँ बाइक लगानी पड़ेगी ना भाई, कोई ना कोई आके गाड़ी की जगह पे फिर खड़ी कर देगा अपनी गाड़ी, फिर यहाँ पार्किंग का थोड़ा इशू रहता है। कैरी नहीं नहीं भेजी मैंने, मैं कोई बात नहीं, आपको देखो आ गया फिर से आसकी करने के लिए, अपने अपने लव स्टोरी सुना रहा है पेंडिंग वाली जो काफ़ी सारी बची हुई हैं, और भी चेलियाँ हैं जो उनके लिए उनको लेके अपने अपना प्यार प्यार प्रस्तुत कर रहा है। कैमरा बंद करने की कोशिश चल रही ताकि इसकी असलियत सामने ना आए, है ना? नहीं ये झूठ बोल रहा है, एक्टिंग बाज। टाइम हो लिया भाई 3:13, यहीं 3:13 होगी, देखो कब तक पहुंचेंगे वहाँ। यार कट्टा वट्टा लेके कहाँ जा रहे हो भाई, राशन खाते हो गया तुम भी? आ गया मैसेज, सुन लिया श्याम लाल कॉलेज अब तो भाई पलट दिया बात, श्याम लाल कॉलेज में पढ़ती है लड़की, है ना? श्याम लाल कॉलेज में भाई एडमिशन लेगा मेरे को, बैगर ले रहा DPG में पढ़ता है, चूतिया बना रहा है अभी अभी पास आउट हुआ, DPG में पढ़ता है भाई ये। चलो गूगल करते हैं, जल्दी बताओ श्याम लाल कॉलेज, ओहो ये रहा, क्या फीस है इसकी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्शन बता तुम सीधा, डायरेक्शन कौन से क्षेत्र में रहती है छोरी, अभी पता लगाओ। वैष्णवी यहाँ से, वैष्णवी ना गई खाना खाने, देखा वैष्णवी का नाम लिया तो वैष्णवी खाना खाने नहीं गई, मेरे बाबू ने खाना ताया नहीं ताया, 2 घंटे लगेंगे ना यहाँ से, तो हमारे घर चलते वहीं पड़ता है रास्ते में, वहीं तो जा रहे हम श्यामलाल कॉलेज जी, तेल डलवा लेते हैं जी पेट्रोल, क्योंकि तेल की डंडी लुब जुब कर रही थी, इसलिए तेल डलवाना जरूरी है, क्योंकि जाना है 50 किलोमीटर, आना है 50 किलोमीटर, 101 किलोमीटर है। तेल डलवाया है पेट्रोल पंप पे, तेल डलवाया 2 हिस्से में, एक डलवाया है 460 का ना, एक डलवाया 410 का और एक डलवाया है 350 का, टोटल 810 का डलवाया है दो पार्ट में, क्योंकि पेट्रोल पंप पे स्कैम हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये मीटर रोक देते हैं 200 पे, ये जितने पे भी फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये काफ़ी पेट्रोल पंप पे होता हुआ देखा है हमने, तो रिस्क क्यों लेना, तो 2 में डलवा दिया, बाकी वाला पेट्रोल पंप काफ़ी अच्छा है और बिजी भी है, बाकी तेल भी अच्छा रखते हैं ये, तो 2 हिस्से में डलवा लिया पेट्रोल पंप, बाकी भाई तेल ऑयल अपना पेट्रोल डीजल जो भी है देख कर डलवाया कर, क्योंकि भाई आजकल स्कैम काफ़ी हो रहे हैं, हमारे साथ हो चुका है एक बार, तो एक बार जब लात पड़ती तो आदमी सीधा हो जाता है ना, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। गुड़गांव की बात ही अलग है, रोड देख कितने छोटे छोटे हैं, हवाई जहाज उतार लो इस पे, तो टोल टैक्स है ना भाई, अब तो हट गो पर भाई, पर ये उसके हिसाब से बना रखा है कि अर्जेंसी लैंडिंग के हिसाब से बना रखा है ये, मे बी भाई इतना तो देखना कितना छोटा है रनवे के हिसाब से, फिर भी यही थोड़ी दिक्कत रहे, वहीं जाम से रहे, यही मेरे बगल से ही लेके जाएगा ये देखो बड़ी वैगनर, गूगल बता तो रहे तू सीधा, ये कितनी सीधा चल रहा हूँ कई दिन
मुडगामा की बाई गई हूँ। अपना भाई किया चारा ठाण में हयात रेजेंसी बड़ी नीचे नीचे आ रही है फ्लाइट, ये तो लैंड होएंगी शायद अभी। हवाई जहाज देख लो जाम भाई, क्या डे जाम हो रहा है कैसे हो सकता है? जाम जाम जाम, 4:27 हो गई है। दिल्ली जाए तो आने का मन नहीं करता जाम की वजह से, वो भी शाम को, वो तो बल्कि आज संडे है जब इतना जाम है। वर्किंग डेज होते तो अभी तो दिल्ली एंटर ही हुए होते हम। गुड़गांव सबसे बढ़िया भाई, इतने छोटे छोटे रोड, एक नंबर, घूमने से लेकर हर चीज क्या नहीं है, सब है, जो तुम बोलोगे वो मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहाँ पर हमारे स्कूल की तरफ से आए थे मैच देखने, फीफा वर्ल्ड कप था ना, जब सारे स्कूल का बुलाए थे गुड़गांव वाले और दिल्ली वाले स्कूल को, भीड़ दिखाने थे ना इनको जब बुलाए थे भाई प्री में, वो कॉमनवेल्थ में फीफा में, फीफा में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वाला, बहुत पहले जब शायद हम 10th क्लास में थे जब बुलाया था यहाँ प्री में। फ्री का माल कहाँ छोड़ेंगे स्कूल वाले। ऐसे ये लैपटॉप, यमुना पहुंच गए, यमुना सिकंजी वाला थे, कहाँ खोल रखा है सिकंजी वाला, बहुत पुराना है ना, फेमस भी है, एक वो जीफर रोड पे पड़ा है सिकंजी जिसे नाड़ा नालो यमुना में, एक नंबर पानी साफ, बिल्कुल अच्छा पानी है, बहुत साफ पानी भाई, इससे साफ पानी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और भवन हो गए और 15 मिनट, अभी भी 15 मिनट है, 15 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। अक्षरधाम आ गए जी, अक्षरधाम यहीं तो आए हम घूमने के लिए, ऐसी तैसी करवा के जाऊँ मैं। ये तो है थिएटर, थिएटर ये तो है, ये वाला है थिएटर, जिसमें वो चले ना मूवी वापी सी, वो ये है मूवी भाई, एक नंबर होती है भाई, मजा आता है जब भी देखते हैं। अब तो काफी टाइम हो गया आए हुए, आएंगे दोबारा एक बार, लेफ्ट लेना राइट लेना जल्दी से भाई। अभी आए हैं जस्ट गाजियाबाद से, टाइम भाई इतना जाम, माथा खराब हो गया, कैसे रह लेते हैं यार दिल्ली में लोग इतने जाम में। अरे एक लाइट भी बंद हो जावे, कैसे रह लेते हैं भाई दिल्ली में लोग इतने जाम में। गुड़गांव वाले की तो बस की नहीं है भाई, इतना जाम सहना, वैसे हो जाता भाई चिड़चिड़ा हो जाता मूड बिल्कुल, क्योंकि इतना जाम भाई हमारे बस की नहीं है, जाम में नहीं चलते हमसे गाड़ी। दिल्ली वालों के हिसाब से तो फिर भी बहुत कम जाम होएगा आज, पर हमारे हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ जाम नहीं लगता, लगता भी थोड़ा माड़ा मोटा सा लगता है, पर दिल्ली का जाम तो भाई ट्रैफिकड हो जाता है भाई, ट्रैफिक नहीं ट्रैफिकड हो जाता है। जब भी दिल्ली जाने का मन नहीं करता, हम तो फिर भी वहाँ गए थे बिल्कुल लास्ट में गाजियाबाद, वहाँ मैंने शूट भी नहीं करा भाई कुछ, क्या ही शूट करता, फैमिली मेम्बर किसी को लेने गए थे तो वहाँ क्या ही शूट करूँ मैं, और वैसे भी फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, वन हो गया था डेड, क्योंकि फ़ोन में चल रहा था मैप और बैटरी भी कम थी, यहाँ से मैंने चार्ज भी नहीं करा था, तो वही हिसाब किताब था। बाकी तबीयत ख़राब सी लग रही है मेरे को, तबीयत डाउन सी, पता नहीं क्यों, पूरी सब्जी खा ली ना तो मरोड़ा सा बन गया पेट में, वही दुख दे रहा है। लिमका भी पी ली पर फिर भी कुछ असर नहीं दिख रहा भाई, सुबह पता चलेगा क्या हिसाब किताब है रेस्ट करने के बाद। बाकी आज के ब्लॉग इतना रखते हैं, अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।